नमस्कार, राम राम साहब। श्री डूंगरगढ़ टाइम्स के सभी दर्शकों और पाठकों का टाइम्स की विशेष पेशकश आपनो गांव आपनी खबर वीडियो न्यूज बुलेटिन में स्वागत अभिनंदन। आइए देखते हैं हमारे क्षेत्र की आज 28 मार्च 2020 की खास खबरें। कोरोना का सन्नाटा शहर में पसरा, प्रशासन की मशक्कत के बाद घरों में ठहरे लोग, घर घर हो रही है अब राशन की होम डिलीवरी। आधी रात को छुपते छुपाते पहुंच रहे हैं प्रवासी, संभावित खतरे को भांपकर प्रशासन ने किए कड़े नियम। चिकित्सा विभाग जुटा है स्क्रीनिंग करने में। लॉकडाउन में सरेआम बिक रही थी शराब, श्री डूंगरगढ़ टाइम्स का स्ट्रिंग। सेरुणा थाना अधिकारी गुलाम नबी ने सीज किया ठेका व दो जनों को किया राउंड अप। ओलावृष्टि से क्षेत्र में फसलें हुई चौपट, किसान कर रहे हैं नुकसान की गिरदावरी करवाने और मुआवजा देने की मांग। कृषि उपज मंडी में भी 15 अप्रैल तक पूर्णतया लॉकडाउन रहेगा। कोरोना के प्रकोप में जलदाय विभाग बरत रहा है लापरवाही, 100 से ज्यादा परिवार हो रहे हैं परेशान। आइए देखते हैं अब खबरें विस्तार से। शहर में प्रशासन की सख्ती से पेश आने के बाद आज नागरिकों ने लॉकडाउन का पालन किया। आज शहर भर में सन्नाटा पसरा रहा, बाजार प्राय बंद रहा और लोग घरों में ही रहे। पुलिस प्रशासन और नगर पालिका प्रशासन ने आज शहर में मुनादी भी फिरवा दी है कि इस लॉकडाउन को कर्फ्यू ही समझा जाए और नागरिक इसका पूर्णतया पालन करे। आज प्रशासन सख्त दिखा तो लोग भी घरों के अंदर रहे। प्रशासन द्वारा बाजार में गाड़ियों के आने पर प्रतिबंध लगाने, प्रत्येक ग्राम पंचायत से केवल दो ही गाड़ियां आने देने, राशन सामग्री की होम डिलीवरी करवाने आदि प्रयासों के बाद लोग शनिवार को घरों में टिके हैं। लेकिन अभी भी गलियों में खेलने, चौकियों चौराहों पर हताई के अड्डे जमाने वाले बाज नहीं आ रहे हैं। श्री डूंगरगढ़ के निकटवर्ती तहसील सुजानगढ़ में कोरोना पॉजिटिव आने के बाद क्षेत्र में खतरा काफी बढ़ गया है, लेकिन अभी भी लोग इसके प्रति गंभीर नहीं हो रहे हैं। आप भी देखे शनिवार को सूने पड़े श्री डूंगरगढ़ बाजार के हाल। शुक्रवार को प्रशासन ने व्यापार मंडल प्रतिनिधियों के साथ वार्ता कर शनिवार से बाजारों में आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को रिटेलिंग नहीं करने एवं होम डिलीवरी करवाने के निर्देश दिए थे। उपखंड अधिकारी राकेश कुमार न्योल ने बताया कि राशन, सब्जी, मेडिकल, दूध आदि के लिए विक्रेताओं को होम डिलीवरी ही करवाने के लिए कहा गया है। आज सुबह से कस्बे में दुकानें नहीं खुली। दुकानदारों ने प्रशासन की पहल पर नवाचार प्रारंभ करने का मानस बनाया और शाम होते होते कोरोना के खिलाफ जंग में अपने ग्राहकों की सुरक्षा के लिए कई दुकानदारों ने होम डिलीवरी प्रारंभ भी कर दी है। आप भी अपने रेगुलर दुकानदार से पता करें कि उन्होंने राशन की होम डिलीवरी प्रारंभ की है या नहीं। शहर के व्यापारियों ने इस सकारात्मक कदम के साथ शहर को कोरोना के संभावित खतरे से बचाने की जिम्मेदारी का बड़ा कदम उठाया है। व्यापारियों के इस कदम को कस्बे के जागरूक नागरिकों द्वारा सराहा जा रहा है। सभी हाईवे सीज होने के बाद क्षेत्र में कच्चे रास्तों से छुपते छुपाते लोग बड़ी संख्या में पिकअप या पैदल घर पहुंच रहे हैं। ऐसे 500 से अधिक प्रवासी नागरिकों की स्क्रीनिंग को ऑन रिकॉर्ड श्री डूंगरगढ़ चिकित्सा विभाग ने की है, लेकिन बड़ी संख्या में ऐसे लोग भी हैं जो बिना किसी को बताए अपने खेत, घर, गाँव में आकर छिप गए हैं। कुछ यहाँ से भी घर के लिए पैदल रवाना हो गए हैं। कोरोना की चेन तोड़ने के बजाय कहीं खतरा बढ़ ना जाए, इस दहशत में कई गांवों में जागरूक नागरिक रात भर सोए नहीं, वह गांव की सुरक्षा में निगरानी कर रहे हैं। हमारे क्षेत्र के जैसलसर में कल देर रात पिकअप भर के ग्रामीण पहुंचे हैं। इंद्रपाल सर में भी मणकरा सर के कच्चे रास्ते से पिकअप द्वारा लोग पहुंचे हैं। वहीं गांव सातलेरा में भी कल रात सूरत रहने वाले 10 ग्रामीण लौट कर आए हैं। सोनिया सर मीडिया में भी देर रात करीब 16 जने अहमदाबाद से लौट कर आए हैं। गांव जेता सर के कालूराम शर्मा नाम का युवक नेपाल से पैदल गांव के लिए रवाना हुआ है। इसी तरह से बीकानेर की एक कंपनी के बाहर निकाले गए यूपी के मजदूर पैदल अलीगढ़ के लिए निकल गए हैं। गांव में आए प्रवासी ग्रामीण मिलजुल कर इन्हें आइसोलेट रहने के लिए प्रेरित कर रहे हैं।
चिकित्सा विभाग के कर्मचारियों की टीमें पूरे क्षेत्र में दिन भर घूम घूम कर लोगों की स्क्रीनिंग कर रही है। इस टीम के पहुंचने तक ग्रामीण अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं और इन्हें एक जगह रोक कर रख रहे हैं। आइए चलते हैं गौरी शंकर तावणिया के साथ गांव सातलेरा, जहां चिकित्सा विभाग की टीम ऐसे ही बाहर से आए हुए लोगों की स्क्रीनिंग का नाम बताओ। महावीर है। महावीर। पापा जी का नाम दीपाराम। दीपाराम किस तरह से हैं? ठीक है, 14 दिन से घर से बाहर नहीं निकलना है, सर में दर्द या बुखार या। लॉकडाउन और देश की संकटकालीन परिस्थितियों में भी कुछ लोग निजी स्वार्थों के बोझ तले दबे हुए हैं। पूरे उपखंड क्षेत्र से राशन की दुकानों पर MRP से अधिक पैसे वसूलने की शिकायतें बार बार मिल रही हैं और अब प्रशासन इस ओर ध्यान भी दे रहा है। हद तो तब हो गई जब पुलिस की गश्त दिन व रात में बढ़ने के कारण शराब के ठेकेदार अब अल सुबह ही शराब की दुकानें खोलकर मुनाफा कमाने में लगे हुए हैं। ऐसी ही सूचना पर आज श्री डूंगरगढ़ टाइम्स की टीम गुसाईसर बड़ा, शेरुणा और लखासर के ठेकों पर स्टिंग ऑपरेशन करने पहुंची। आज शेरुणा में सुबह 6 बजे ही ठेका खुला मिला और शराबी वहां से शराब खरीदते हुए पाए गए। टाइम्स ने इसका वीडियो भी बनाया और शेरुणा पुलिस को सूचना भी दी, जिससे थाना अधिकारी गुलाम नबी मैं जाप्ता तुरंत ही मौके पर पहुंचे एवं शराब बेच रहे दो लोगों को राउंड अप करते हुए ठेके पर ताला लगवाया। गुलाम नबी की सक्रियता के बाद क्षेत्र में थानाधिकारी की प्रशंसा हो रही है। थानाधिकारी गुलाम नबी ने इस संबंध में इन दोनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दोनों जनों को गिरफ्तार भी कर लिया है एवं पुलिस की सूचना पर आबकारी विभाग ने पहुंचकर ठेके को सीज कर दिया है। तबाह हुई फसलों के ढेर पर किसान के सपने बिखर गए हैं। क्षेत्र में ओलों से किसानों को भारी नुकसान हुआ है। इसबगोल तो शत प्रतिशत खराब हो गया है। कोरोना के कारण तैयार फसल कट नहीं पाई और कहीं अगर कट गई तो एकत्र नहीं हो पाई। तहसील के गांव मोमासर, लिखमा देसर, सोनियासर मीठिया, सोनियासर गोदारण, बरजानसर, कुंतासर, धीरदेसर, चोटियान, धनेरू, कुनपालसर आदि गांव में किसानों को ओलावृष्टि से भारी नुकसान हुआ है। गांव में किसानों ने गिरदावरी की रिपोर्ट करवाकर मुआवजा दिलवाने की मांग की है। विधायक गिरधारी लाल महिया ने भी मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर किसानों के लिए विशेष पैकेज की घोषणा करने की मांग की है। मैया ने कहा कि किसानों को बिजली बिलों में छूट व 1 साल के लिए कुर्की पर रोक लगाने की सरकार को पहल करनी चाहिए। मैया ने कहा कि कोरोना महामारी व लॉकडाउन के चलते फसल कटाई के लिए मजदूर नहीं मिले और ओलावृष्टि से फसलों को भारी नुकसान हुआ है। क्षेत्र के युवा नेता विवेक माचरा ने भी किसानों को बिजली बिल माफ करने वे किसानों के बिल न भरने के एवज में विभाग द्वारा ट्रांसफार्मर नहीं उतारने की मांग। राजस्थान में कोरोना के बढ़ते प्रकोप के कारण कृषि मंडी में भी 15 अप्रैल तक घोषित लॉकडाउन का पालन करने का निर्णय किया गया है। इस दौरान कृषि उपज मंडी में 15 अप्रैल तक अवकाश रखने का निर्णय लिया गया है। कृषि व्यापार संघ अध्यक्ष श्याम सुंदर पारिक ने कहा कि कृषि उपज मंडी में नीलामी कार्य पूर्णतया बंद रहेगा, अतः व्यापार संघ द्वारा जारी आगामी सूचना तक कोई किसान अपनी कृषि उपज मंडी में विक्रय के लिए न लेकर के आए। पारिक ने किसानों व व्यापारियों मजदूरों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की है। श्री डूंगरगढ़ उपखंड क्षेत्र के सभी राजनीतिक, आपराधिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और धार्मिक समाचारों को प्राप्त करने के लिए आप जुड़िए श्री डूंगरगढ़ टाइम्स के साथ। आप श्री डूंगरगढ़ टाइम्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप श्री डूंगरगढ़ टाइम्स के फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। आप जुड़ सकते हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से। सादर धन्यवाद। शुभ रात्रि।